हे गाइस, कैसे हो आप सब। और आज हम लोग सीखेंगे ओ ओ जाने जाना का टैब्स। तो एक्चुअली ओ ओ जाने जाना का वीडियो मेरा हटा दिया गया है कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, बट मैं इसको फिर से री अपलोड कर रहा हूँ। जो मैंने पार्ट प्ले किया था उस पार्ट को मैं हटा दूंगा और बाकी जो पूरा लेसन है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसके रिटन नोट्स और इसका जो प्ले वाला पार्ट है वो मैंने अपने ब्लॉग यानी कि वेबसाइट पर मैंने अपलोड कर रखा है। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हो और इसका प्ले वाला पार्ट भी देख सकते हो। और बाकी इसके ट्यूटोरियल के लिए यानी कि इसके लेसन के लिए आप इस वीडियो को पूरी देख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो इस मेलोडी को मैं दो तरीके से सिखाऊंगा, मल्टी स्ट्रिंग पे और सिंगल स्ट्रिंग पे। सिंगल स्ट्रिंग वाले में एक नोट जो है वो सेकंड स्ट्रिंग पे आएगा और बाकी पूरा जो है वो सिंगल स्ट्रिंग पे चलता रहेगा। लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि आप इसको मल्टी स्ट्रिंग पे ही सीखना और उस पे ही प्ले करना, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग पे स्पीड नहीं बन पाएगी। और इस सॉन्ग में जब तक स्पीड नहीं रहेगी तब तक आप इसकी फील जो है, इसका जो अट्रैक्शन है वो गेन नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करना कि आप मल्टी स्ट्रिंग पे सीखो और उसी पे प्ले करो। मैं सिंगल स्ट्रिंग भी सिखा दूंगा। तो इस पूरी मेलोडी को मैं चार पार्ट में डिवाइड कराऊंगा, एक एक पार्ट करके सिखाऊंगा। आप एक एक पार्ट करके प्रैक्टिस करो और सीखते जाओ। तो सबसे पहला पार्ट जो स्टार्ट होगा वो सेकेंड स्ट्रिंग पे स्टार्ट होगा। तो आपको करना क्या है, थर्ड फ्रेट से स्लाइड करना है 10th फ्रेट तक, इस टाइप से, ठीक है। अगर आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप यहीं पर प्ले करिए इस टाइप से। तो चलिए स्लाइड करते हैं 3rd से 10th तक, फिर 10-10 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, फिर 12 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 10 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर 12 ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन 13 ऑन सेकंड स्ट्रिंग। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो चलिए आपको स्लोली प्ले करके दिखाते हैं कैसे आएगा ये। अगर आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट इस टाइप से प्ले कर सकते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्लाइड करिए चाहे ऐसे प्ले करिए, आपकी मर्जी। अब इसका जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा वो फर्स्ट स्ट्रिंग पे स्टार्ट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से लेके 10 तक स्लाइड करेंगे, ठीक है। अगर आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ 10 करिए जैसे पहले किया था। तो चलिए स्लाइड करते हैं 5 से 10 तक, उसके बाद फिर 10, फिर 12 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 10 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 12 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, then 10 on second string, then 12 on third string। तो इसको एक बार स्लोली प्ले करते हैं। अगर आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं तो ऐसे प्ले करिए। अब इसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा 12th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग से, 12 12 ऑन 3rd स्ट्रिंग, देन 12 12 ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन 12 12 अगेन ऑन सेकंड स्ट्रिंग। तो पूरा मिला देंगे इस टाइप से हो जाएगा। ये था थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 10th फ्रेट 2nd स्ट्रिंग से, 10, then 10, 10 again, then 12 on first string, then 10 on first string, then 12 on first string, then 13 on second string, then 10 on first string, then 12 on second string, then 13 on second string, then 10 on second string। तो फोर्थ पार्ट को स्लोली प्ले करते हैं। इसको आप जब फास्ट प्ले करेंगे तभी समझ में आएगा। अब चलिए चारों पार्ट को एक बार मिलाकर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर प्ले करते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ
फोर्थ पार्ट। तो चलिए अब फर्स्ट स्ट्रिंग वाला भी सिखा देते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे सिखाने के लिए भी मैंने इसको चार पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक पार्ट करके सिखाऊंगा, आप आराम से सीख लोगे। तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा जीरो, देन जीरो जीरो, देन सेवन, देन फाइव, देन सेवन, देन थ्री। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या करेंगे, थ्री से फाइव स्लाइड करेंगे, देन फाइव, देन टू, देन जीरो, देन टू, देन जीरो, देन थ्री ऑन सेकंड स्ट्रिंग। तो पूरा मिला देंगे, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट होगा यहीं से, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग से, थ्री थ्री ऑन सेकंड स्ट्रिंग, देन टू टू ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग, देन अगेन टू टू ऑन फर्स्ट स्ट्रिंग। तो पूरा मिला देंगे, थर्ड पार्ट इस टाइप से हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट होगा यहां से जीरो, देन जीरो जीरो, देन सेवन, देन फाइव सेवन, देन थ्री फाइव, देन टू थ्री, देन जीरो। तो ये लास्ट वाला पार्ट इस टाइप से हो जाएगा। तो चलिए अब चारों पार्ट मिला के एक बार प्ले कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो मैंने दोनों तरीका सिखा दिया है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो मैंने यहां पर सिखाया मल्टी स्ट्रिंग वाला, तो वो चीज़ जो है वो आप इतने में ही कवर कर सकते हो, ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो स्लाइड वाला पार्ट हटा देते हो तो इतने में ही पूरी मेलोडी कंप्लीट हो जाएगी इतने पोर्शन में, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल स्ट्रिंग प्ले करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ पर जाना पड़ता है, और जिसमें क्या है कि जो लास्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट में क्या है कि स्पीड बना पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बन जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर प्ले करोगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा, कैची और इजी होगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर सिखाया था मल्टी स्ट्रिंग पे, वो मैंने ए माइनर स्केल पे सिखाया था, और जो मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग पे सिखाया था वो मैंने ई माइनर स्केल पे सिखाया था, ठीक है। तो ये मेलोडी बहुत ही अच्छी और बहुत ही कैची है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका रिटर्न टैब्स लिख के मैं अपने ब्लॉग पे अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी मैंने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।